दिल्ली दंगा याद है आपको, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को दहलाकर रख दिया था। आज तकरीबन एक साल के बाद एक बार फिर से दिल्ली दंगों की याद ताजा हो गई है। वजह है उस दर्द के निशान आज भी जिंदा हैं। ऐसे में आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको उस दर्दनाक पल के 72 घंटे की पूरी कहानी बताते हैं। दिल्ली में एक साल पहले जिन जगहों पर दंगे हुए थे, घर जलाए गए थे, दुकानों में लूटपाट हुई थी, एक साल बाद वो जगह ड्रोन से कुछ ऐसी दिखती है। आसमान से उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये इलाका बेहद शांत और खूबसूरत दिखता है, लेकिन आज से एक साल पहले इन जगहों पर क्या कुछ हुआ था, यहाँ रहने वाले लोग चाह कर भी भूल नहीं सकते। फरवरी 2020 से शुरू हुई हिंसा 26 फरवरी तक चलती रही। दंगों की आग ने सैकड़ों घरों को बर्बाद कर दिया, सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया। उन दंगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे में ऐसी गांठ डाल दी जिसे हटाने में बहुत वक्त लगेगा। अब एक साल बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के उन दंगा प्रभावित इलाकों का दर्द समझने, वहां रहने वालों के हालात दिखाने पहुंचा है जी न्यूज़। यूं तो वक्त हर एक जख्म भर देता है, लेकिन दिल्ली दंगों को एक साल हो चुका है। जी न्यूज़ उस समय भी आपको पल पल की जानकारी दे रहा था, दिल्ली वाले किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं इसकी पूरी कोशिश कर रहा था, और आज एक साल बाद फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जी न्यूज़ उस जगह पर पहुंचा है और आपको बताएगा कि वो दिल्ली दंगों से पीड़ित परिवार किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। दिल्ली के शिव विहार इलाके में पिछले साल फरवरी में क्या हालात थे और एक साल बाद क्या हालात हैं, इन दो तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। दिल्ली के शिव विहार, खजूरी खास और चांदबाग इलाके में दंगों के एक साल बाद स्थिति अब सामान्य तो दिख रही है, लेकिन उतनी भी नहीं। दिल्ली दंगों के निशान आज भी बाकी हैं। एक साल हो चुका है खजूरी खास में, अगर ये पीछे मैं आपको दुकान दिखा रहा हूँ, जो वहाँ पर आज भी जो इसकी पहली दूसरी तीसरी मंजिल आपको नजर आएगी, वहाँ पर वो निशान याद आएंगे आपको, दिखेंगे कि किस तरह से वो जो घरों का जलना, दुकानों का जलना, लूटपाट, पेट्रोल बम्प, जो जो चीज़ें हमें दिखी थी उनके निशान यहाँ पर आज भी बाकी हैं। कुछ कुछ जगहों पर वो लोग अब अपने घरों को, अपनी दुकानों को छोड़कर इस तरह गए हैं कि अब तक वापस नहीं आए, और बहुत से लोगों ने अपने जगहों को किराए पर चढ़ा दिया है। एक वो डर, दिल्ली उससे लड़ तो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में आज वो बरकरार है। घर की दीवारों पर दंगों के जो काले दाग हैं, खजूरी इलाके के रहने वाले बबलू के दिल में वैसी काली यादें अभी तक मिटी नहीं हैं, और साथ ही उनकी आंखों में अब भी वही डर समाया है जैसे पिछले साल था। बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी दुकानें, घर जला दिए गए थे, वो बहुत मुश्किल समय था दिल्ली। आज भी याद करते हैं दिल्ली वाले तो घबरा से जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका। मेरा नाम बबलू है। बबलू, आप थे उस समय जब दंगे हुए थे? उस समय थे हम लोग। क्या हालात हुए थे, क्या माहौल था उस टाइम?
चारों तरफ से इधर पत्थरबाजी, आगजनी काफ़ी हुई। हम लोग अपना पूरा डर का माहौल बना हुआ था उस टाइम पे। कैसे जी रहे थे, क्योंकि रात को दिन में हर टाइम कहीं ना कहीं जाना ही पड़ रहा था कि हम कभी अपना घर छोड़ के कभी किधर भाग रहे थे, हम कभी किधर भाग रहे थे, चारों तरफ यही आलम था। क्या हुआ था, इस सड़क की मैं बात करूं तो यहां पर भी कुछ ऐसी जगह हैं जो आज भी जले हुए निशान हमें दिख रहे हैं बिल्डिंग पर, क्या सब कुछ लूट लिया गया था या फिर जैसे आप खबरें यहां पर बता रहे हैं? सब कुछ सर लूट लिया गया था, कुछ भी नहीं बचा था। ये तो पूरा एक साल हो गया था इसलिए थोड़ा कवर दिख रहा है आपको, वरना ये आगे बेकरी है पूरी पूरी जला दी गई थी, सब कुछ यहाँ पे जो है तहस नहस हो गया था। क्या वो डर आज भी है दिल में कहीं? वो डर तो सर रहेगा, अभी भी रहेगा, अभी भी है। आप यहीं रहते हो तब भी आप कह रहे हो कि अब एक साल बाद बाजार तो खुला हुआ दिख रहा है लेकिन वो दिलों में डर है। रात रात हम इसलिए नहीं जाते, अभी डर है। मतलब एक साल होने के बाद भी आप रात को बाहर नहीं निकलते? नहीं नहीं सर, एक साल बाद नहीं निकलते। दिल्ली में पिछले साल CAA और NRC के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के थे। दंगों की शुरुआत 23 फरवरी को दिल्ली के जाफराबाद से हुई थी, लेकिन अफवाहों की वजह से दंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में फैल गए थे। दंगों का सबसे ज्यादा असर खजूरी खास, भजनपुरा, शिव विहार, चांदबाग और करावल नगर में देखने को मिला था। जिस जले हुए घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज एक साल बाद भी उस घर के हालात बहुत बदले नहीं हैं। घर की काली दीवारें अब भी दंगों की गवाही दे रही हैं। सेकंड फ्लोर है, इसमें सारे जलने से बच के सारी छत भी गिर जाती है, हमारी सारी दरारें बड़ी हुई, छत गिरने से बच गई हमारी। इस सारे कमरे में सब जला रखे हैं इन्होंने। आइए ये बल्कि सारी साफ कर रही दीवारें, बल्कि बहुत काली काली थी, आप खुद ही देख सकते क्या हालत है इसकी। सारी ऐसी थी काली काली, कितनी सफाई करी होगी। फर्श ऐसे थे बिल्कुल रह नहीं सकते, इतने काले काले रहते सारे फर्श। नीचे की तो फर्श सारे टूटा पड़े, दीवारें सब टूटी पड़ी थी, दीवारों समेत सारे टूटा पड़ा था नीचे, सारा बनाया हमने दोबारा, बस ऊपर का रह गया। अब और किचन का क्या हाल था? किचन में सारे गेट वगैरह सब कुछ जला दिया, ऊपर छत गिरने से बची है, दरारें पड़ी हुई ऊपर छत पे, अभी भी सब जला दिया, कुछ नहीं बचा किचन में भी। ये सब कुछ हमने दोबारा आप करा है, तो अभी भी इसमें हम देख रहे हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी कितना साफ हुआ, अभी क्रैक पड़े हुए हैं ऊपर देखो। दिल्ली के शिव विहार की सिमरन का घर दंगाइयों ने जला दिया था। 25 फरवरी को इस इलाके में दंगे हुए थे। सिर्फ सिमरन का घर ही नहीं बल्कि उनके आसपास के घर और दुकानें भी दंगाइयों ने जला दी थी। सिमरन को दहशत की वो रात आज भी याद है। बस मैं किसी तरह से बच गई हूँ, मैं सुबह सुबह निकली थी, मेरे को भी अंदर जला रहे थे, मेरी भी बारी आने वाली थी उस दिन। मेरे को मेरे हस्बैंड बचा के ले गए थे, मेरे को मेरे सामने पिज्जा डाइट था, सामने इतना बड़ा था, सब कुछ जला, मैंने सब कुछ देखा अपने आंखों से, सारे आतंक मचा हुआ था यहाँ पे, पूरी गली ऐसे रोड ऐसे था, शमशान घाट है यहाँ पे। ये वही गली है जहाँ पर हम उस समय भी पहुँचे थे। पूरे यहाँ पर पत्थर, कांच, पेट्रोल बम पूरे यहाँ पर। जब जी न्यूज़ यहाँ पर उस समय भी आई थी तब भी वो चीज़ें देखने को मिली थी। आज भी कुछ जगहों पर अगर ये आगे की बिल्डिंग में आपको दिखाऊं तो देखिए कि कांच टूटे हुए हैं उन बिल्डिंग्स के, वो वापस जो पटरी पर आने की बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग हैं, कुछ परिवार हैं जिन आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं वो पटरी पर आ पाएँ। जो फाइनेंशियली खुद को उठा पाए वो पहुंच गए, लेकिन जो दिल में डर है वो अब भी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए एक साल बाद हम इस चीज़ को वापस से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी था। जो दिल्ली जिससे लड़ी है, एक बार दिल्ली के साहस के बारे में बात करना भी ज़रूरी था। खजूरी खास के इलाके में इस घर को पहचानिए, ये उसी ताहिर हुसैन का घर है जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है और इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। दिल्ली दंगों के समय आपने नेहरू विहार, खजूरी खास, इन जगहों का नाम सुना होगा, याद भी होगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट था यहाँ पर सबसे ज़्यादा था। जब लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव आया वो आज तक पटरी पर आने की कोशिशें कर रहे हैं वो लोग, वो जगह यही है। ये जगह है नेहरू विहार और सामने की तरफ है खजूरी खास। आपने एक नाम और सुना होगा इन दिल्ली दंगों में, ताहिर हुसैन। वो बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, उस समय जी न्यूज़ एक साल पहले भी यहाँ मौजूद था, वो वीडियोस आपको दिखाए थे किस तरह से जो पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, जो पत्थरबाजी थी वो हो रही थी।
आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने ही अपने घर की छत से दंगे भड़काए थे। जब दंगों के बाद पिछले साल जी न्यूज ताहिर हुसैन के घर में पहुंचा था तो उसे दंगों के खतरनाक हथियार मिले थे। बयालीस साल के श्याम सहानी ताहिर हुसैन के घर के सामने चाय की दुकान और छोटी सी खाने पीने की दुकान चलाते थे, लेकिन दंगाइयों ने उनकी दुकान को लूट लिया। 2020 में जी न्यूज ने आपको श्याम साहनी का दर्द दिखाया था। 2021 में एक बार फिर जी न्यूज श्याम साहनी की दुकान पर पहुंचा। श्याम ने अपनी दुकान तो सजा ली है, लेकिन जख्म अब भी हरे हैं। उनके मन में डर अब भी है। जला दी गई थी जो दुकानें, लूट लिया गया था जिन दुकानों को, जिन घरों से लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा था, वो मंजर एक साल बाद अब उन लोगों के दिलों में कैसा है, ये पूछते हैं आज भी वो लोग पटरी पर आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ एक परिवार है जो ये छोटी सी दुकान चलाते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले वो एक साल हो चुका है, क्या हालात थे? अब एक साल से यही है जो अभी, मतलब पहले से अब ठीक हो रहा है, मतलब हालात जो मंजर वो पहले था वो कभी ना आए, ये तो हमारी उम्मीद है। क्या हुआ था अगर आप मुझे याद करें? उस टाइम क्या मंजर थी क्या नहीं, मतलब उधर से भीड़ आई थी एकदम कस के, पूरी ज़बरदस्त थी। अब हम लोग समझ नहीं पाए थे जे कैसे क्या करें, तो अपने बच्चे को लेके हम पीछे के रास्ते से भाग निकले। होटल खोला कहते बच्चे लोग के, फैक्ट्री के बच्चे के खाना खिला, सारे पतीला उतीला जितना तावा तक तो नहीं छोड़ा उसने, खाने के बर्तन भी नहीं छोड़े। दिल्ली दंगों के एक साल बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये इलाका अब पटरी पर लौट रहा है। कामकाज भी सामान्य दिनों की तरह ही चल रहा है, लेकिन इन इलाकों के लोगों के दिलों में जो जख्म 2020 में लगा था उसे भरने में अभी लंबा वक्त लगेगा। हरीश झा के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली।